बीच रोड में बैठ के फोटो शूट हो रहा है। भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पुलिस वाले डंडा मारेंगे भाई। और इधर देखो भाई, फव्वारा लगाया गया है और सामने बृहद मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय। गाइस इधर देखो कितना बड़ा तिरंगा झंडा लगाया गया है, इसके सामने लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और ये देखो दोस्तों सीएसटी रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है रात में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। और भाई साहब 15 अगस्त को लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन को और इसके आसपास की सभी बिल्डिंगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है और साथ में गेटवे ऑफ इंडिया को भी लाइटों से डेकोरेट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यहाँ का पूरा टूर दिखाने वाले हैं, टूर कराने वाले हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोगों की क्राउड है रात में। और रात में मैं आपको भाई टाइम भी दिखा देता हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। तो देख सकते हैं 11:05 हो रहे हैं और कितने ज़्यादा लोगों की क्राउड है, सभी लोग फोटो वीडियो लेने में यहाँ पर व्यस्त हैं। और सामने ये है हमारा सीएसटी रेलवे स्टेशन जिसको 3 रंगों से यानी तिरंगा के कलर से पूरा सजा दिया गया है। इधर देखिए फोटो शूट चल रहा है और अभी हम यहीं पर मौजूद हैं और आपको यहां का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं भाई किस तरह से इस स्टेशन को लाइटों से डेकोरेट किया गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से नीचे तक का पूरा नज़ारा। और यहाँ तक कि इसको तो सजाया गया है, साथ में यहाँ पर बृहद मुंबई महानगर पालिका का जो मुख्यालय है ना उसको भी सजा दिया गया है। देख सकते हैं उसके सामने कितने ज़्यादा लोगों की भीड़ है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं और आपको यहाँ का पूरा टूर कराते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, पूरा टूर करके अच्छे से दिखाएंगे। भाई अभी हम सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और सबसे पहले देखिए सीएसटी रेलवे स्टेशन को किस तरह से 15 अगस्त के लिए लाइटों से सजाया गया है। बहुत ही बढ़िया सजावट की गई है, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग की गई है, ऊपर से नीचे तक तिरंगा से इसको कलर कर दिया गया है। तिरंगा भाई नीचे ग्रीन व्हाइट और ये ऑरेंज, ओ माय गॉड क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। और इतना ही नहीं, इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा लोगों की रात में 11 बजे के करीब में भीड़ है इधर मेन रोड पे। और उधर देखो बृहद मुंबई महानगर पालिका का जो मुख्यालय है उसको भी कितना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, सामने कितनी ज़्यादा क्राउड है। अभी हम नज़दीक चलेंगे और वहाँ से सीएसटी रेलवे स्टेशन का पूरा खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो ये सीएसटी रेलवे स्टेशन का नज़ारा रात 10:30-11 बजे का, और यहाँ से हम लोग गेटवे के लिए भी निकलेंगे भाई। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सड़क क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैफिक बंद है। तो यहाँ पर देखिए लोगों का बीच रोड में बैठ के फोटो शूट हो रहा है। भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पुलिस वाले डंडा मारेंगे भाई। और बगाई जी देखो पूरा ट्रैफिक बंद है, तो हम लोग पहले उधर निकल लेते हैं। इधर भारत माता की जय। इधर देखो भाई सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे, बीच में देखो सब लोग तिरंगा झंडा लेके फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो हम भी वहीं पर चल रहे हैं और आपको थोड़ा सामने का व्यू दिखाएं कि किस तरह से इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग आए हुए हैं किस तरह से। तो देखे भाई यहाँ से आपको भीड़ देखने को मिलने लगेगी। ये देखो सामने पूरी भीड़ है और इसके ऊपर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। आइए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या सजावट की गई है, बहुत बढ़िया एक नंबर। इधर बीच में फव्वारा और इधर देखो सभी लोगों की भीड़। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है, घरों घर ही तिरंगा अभियान देखो भाई। और ये देखो अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है भाई लोगों का। इधर फव्वारा लगाया गया है, यहाँ पर तिरंगा झंडा पकड़ के सभी लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये देखो भाई क्या खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का। उधर बहुत बड़ा तिरंगा लगाया गया है, सभी लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। देखो इतना बड़ा तिरंगा उधर लगाया गया है। तो ये है सीएसटी के मेन सामने का नज़ारा, बृहद मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय ऊपर से नीचे तक किस तरह से सजाया गया है आप लोग देख सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इधर भी सजावट बढ़िया तरीके से की गई है। ये देखो भाई इधर ये है सीएसटी रेलवे स्टेशन, कितना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, लाइटें देखो, मज़ा आता है यार यहाँ पर घूमने में। और ये बिल्डिंगें अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई बिल्डिंगें, और जो लाइटें यहाँ पर डेकोरेट की गई है ना भाई, उसका तो अलग लेवल का ही नज़ारा है। नीचे देखो कितनी ज़्यादा लोगों की क्राउड है, सब लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन घूमने आए हैं। इधर गाल वगैरह पे पेंटिंग हो रही है, फ्लैग वगैरह बनाए जा रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों के गाल पे अंकल जी फ्लैग बना रहे हैं इस तरह से। देखो वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ का नज़ारा भाई आज के दिन का एकदम बढ़िया यार, अलग लेवल का नज़ारा है, देख रहे हो क्या बात है भाई।
गाइस इधर देखो कितना बड़ा तिरंगा झंडा लगाया गया है, इसके सामने लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और सामने ही भाई बहुत खूबसूरत सा फव्वारा भी लगा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों की क्राउड आई हुई है भाई। इस तरह से मुंबई में लोग रात भर जगते हैं, लेकिन आज के दिन ना बहुत ही खास है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइटें वगैरह लगाई गई हैं और लोग अपने परिवार के साथ छोटे बच्चे को लेकर कपल्स लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। और इधर देखो भाई सामने से भी लोग वीडियो बनाने में मस्त हैं, अभी मैं आपको उधर भी ले चलूंगा। तो देखिए कुछ लोग बीच रोड पे ही खड़े होकर CST का वीडियो बना रहे हैं भाई, क्योंकि आज का ना कुछ अलग ही नज़ारा है। पूरा CST रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास की बिल्डिंगों को ना इसी तरह से सजाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखो भाई, तो भाई बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर और ये सामने से आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। सामने थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि क्राउड इतनी है ना, जितना हो सका उतना दिखाया मैंने। ऊपर देखिए किस तरह से भीड़ है, इकट्ठा बहुत ज़्यादा भीड़ है और सामने का नज़ारा देखो, इधर भी भीड़ है और इसके सामने। अब हम लोग चलेंगे मेन वहाँ पर, वहाँ से आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। हाँ गेटवे भी चलेंगे, गेटवे भी देखा जाएगा क्या डेकोरेशन किया गया है। आराम से चलना भाई साहब, एकदम अलग लेवल का नज़ारा है। सामने का व्यू देखोगे, ये देखो, ये देखो CST का शानदार सा व्यू भाई, क्या बात है। हाँ भाई यहाँ से देखो लोग इधर भी खड़े होकर फोटो वीडियो ले रहे हैं, इधर भी लोग खड़े हैं देखो सामने। और गाइस अभी हम CST रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड आ चुके हैं और सामने से देखिए पूरा CST रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर और प्यारा। और इसकी लाइटें आप लोग देख सकते हैं भाई, चारों तरफ किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं, किस तरह से डेकोरेट किया गया है वो आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। और सामने भाई ट्रैफिक भी चालू है और इसी के बीच में लोग मेन सड़कों पर खड़े होकर फोटो वीडियो ले रहे हैं। 15 अगस्त के दिन इसी तरह से मुंबई के सारे जगहों को सजाया जाता है। ये बृहद मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय है जो ऊपर से नीचे तक सजाया गया है और इधर CST रेलवे स्टेशन को भी। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि मुंबई के CST रेलवे स्टेशन को और बृहद मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय को इंडिपेंडेंस डे के दिन किस तरह से सजाया गया है, रात के टाइम में कितनी ज़्यादा क्राउड है, पूरा यहाँ का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया है। जहाँ पर मुख्यालय है उसके सामने किस तरह से लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, कितनी ज़्यादा क्राउड है, पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाया है। तो आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी भाई, क्योंकि मैंने आपको यहाँ का पूरा टूर कराया है। अगले पार्ट में आपको गेटवे ऑफ इंडिया का वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, देखते हैं कि उसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई क्या शानदार सा व्यू है यहाँ का, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा नज़ारा दिखा दिया है। तो गाइस चलो अब, अभी भी रात के 12 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा क्राउड है ना कि पूछो मत भाई। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे हमारे साथ रवि भी है, मैं भी हूँ, तो वो वाली वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जाते जाते आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।